थैंक यू प्रियंका जी, आप हैं क्या यहाँ पर? प्रियंका, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शुरू करें. अगर धनंजय सर ने ज्वाइन किया है तो मैं चाहूंगी कि वो मुझसे पहले बोलें, क्योंकि उनका जो रिश्ता है सर के साथ वो मुझसे भी लंबा एसोसिएशन है. मुझे दिख नहीं रहे सर. जी जी, दरअसल सर के बारे में अगर बोलने की बात करें तो जितना बोला जाए उतना कम, लेकिन इस वक्त जो हालात है उसमें मैं अपनी बात को ढंग से रख भी पाऊंगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है. मेरे लगभग 15-17 साल से सर के साथ मुलाकात है. नवभार टाइम्स में मैं थी, लगभग इसी साल मैंने छोड़ा है वहां से. उससे पहले सर से लगभग शुरुआत में बात होती थी एक नॉर्मल जर्नलिस्ट के तौर पे. कभी भी कुछ भी होता था, कोई स्टोरी कहीं फंसे तो पहला नाम जो ध्यान आता था वो था डॉक्टर के, क्योंकि कोई टॉपिक ऐसा नहीं हो सकता जिससे कि सर के पास सही इन्फॉर्मेशन ना हो, तुरंत अवेलेबल ना हो वो इन्फॉर्मेशन. कई बार हम लोग रात को 10 बजे भी कॉल लगाते थे क्योंकि एडिशन का टाइम है और इस टाइम पे हर किसी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, लेकिन पता है कि एक शख्स ऐसे हैं कि आप कॉल करेंगे तो आपका वो फोन भी उठेगा और आपको जवाब भी मिलेगा. तो वो एक फेथ था. फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस किए सर के साथ. ऑफिस में भी आते थे, हम लोग बुलाते थे. हम जब भी सर आते थे, उनकी एक खासियत थी कि वो जब भी आते थे तो उनके गले में उनका स्टेथोस्कोप हमेशा होता था और वही उनकी पहचान बन गई थी. कई बार लोग हिंदी में उनको बोलते थे आला वाला डॉक्टर, लेकिन मुझे लगता था कि जितनी अवेयरनेस, जितनी भी जानकारी, जो एक जज्बा उनके अंदर था लोगों को फिट करने का, हेल्दी करने का, अवेयरनेस फैलाने का, वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है. आमतौर पे लोगों को लगता है कि भाई हमारा प्रोफेशन है, जो भी प्रोफेशन है वो मेडिकल हो या दूसरा प्रोफेशन हो, हम उसमें बढ़िया कर जाएं काफी है. लेकिन हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना, हर किसी की मदद करना, ये इच्छा होना कि सबसे ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ये अपने आप में बहुत रेयर है. यहाँ पर ये तो था कि उनको एज अ मतलब टीचर कहूँ मैं या एज अ जो भी डॉक्टर उनकी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इससे अलग मेरे पास एक और किस्सा है जो कि मैंने कल अपने फेसबुक पर भी लिखा है. मैं 2017 की बात है, मेरे पास मेरे घर में काम करने वाली एक लेडी थी. दिन वो बहुत परेशान मेरे पास होकर आई. उसने कहा कि दीदी मेरे बेटे के दिल में छेद है, आप कुछ मदद कर दीजिए. बहुत परेशान थी तो मुझे लगा कि क्या किया जा सकता है. तो मैं पहले यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, वहां जाके चेक किया तो पता चला कि पॉसिबल नहीं है, अभी वहां पे ये फैसिलिटी ही नहीं थी. उसके बाद मुझे पहला नाम जो स्ट्राइक किया वो सर का था. हिम्मत नहीं हुई फोन पे कहने की, क्योंकि कभी ऐसा कोई फेवर मांगा नहीं था. तो मन में घबराहट और बेचैनी थी कि पता नहीं फेवर मांगना चाहिए, क्या रिएक्शन होगा, कैसा सोचेंगे कि मतलब जर्नलिस्ट के तौर पर बात करते हैं, फेवर मांग रही है. तो फिर भी मैंने उनको बोला सर मिलना है. तो बोले कि आप क्या स्टोरी कर रही हो तुम? तो मैंने कहा नहीं, स्टोरी के लिए नहीं मिलना, कुछ और काम है, मदद चाहिए. तो बोले कि आ जाओ कल. तो फिर ऑफिस में गए, सर से मुलाकात हुई. बोले कि सबसे पहले बैठो, खाना खाओ. तो मैंने उनको बोला सर लंच तो पैक है, गाड़ी में रखा हुआ है. तो बोले कि नहीं, मेरे ऑफिस में जो कोई भी आता है, तब सर आईएमए में थे, मैं तब की बात है, ये 2017 के आसपास की आई थी. तो मैंने उनको बोला कि ऑफिस जाके खा लूंगी. बोले मेरे ऑफिस में जो इस वक्त आता है वो कोई बिना खाना खाए नहीं जाता है, खाना खाओ. खाना खाते खाते बात हुई उनसे. तो बोले कि क्या बात है? तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे एक बच्चा है, 6 साल का है और बहुत
ही मतलब मैं तकलीफ में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप कोई आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए कि कहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ अगर डिस्काउंट मिल जाए तो बड़ी मदद हो जाएगी, एक बच्चे की जिंदगी का सवाल, कुछ मैं करने की कोशिश करती हूँ कुछ आप करती हूँ। तो उन्होंने मुझे देखा और ऐसे देखा कि क्या मतलब, ऐसा एक्सप्रेशन था कि इतनी छोटी सी बात हो जाएगा, कल मेरे पास भेज दो। तो मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगा कि इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा। तो मैंने कहा सर पैसा बहुत नहीं होना चाहिए खर्च, क्योंकि नहीं हो पाएगा उतना अफोर्ड। बोले कि अरे टेंशन क्यों ले रही है तू, तू सिर्फ भेज दे मेरे पास, ठीक है। और ये बोला और उसके बाद मैंने अगले दिन उन लोगों को भेजा और पता चला कि लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा था, जो कि सर ने फिर अपने हार्ट केयर फाउंडेशन के थ्रू वो ट्रीटमेंट्स बच्चे का कराया, पूरा 1 साल का फॉलोअप हुआ, फिर बाकायदा बच्चा बिल्कुल फिट था। वो दिन था कि मेरे मन में जो एक रेस्पेक्ट थी, जो एक उनके मतलब एक डॉक्टर के तौर पे जो रेस्पेक्ट थी वो तो थी ही, लेकिन उसके बाद से वो जो दर्जा था उनका वो कहीं बहुत ऊपर चला गया। मेरे तो खैर बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हैं, डॉक्टर के तौर पे भी मैंने उनको देखा है कि एक झटके में उन्होंने किस तरीके से मेरे बैक में प्रॉब्लम थी, मैं बैठी हुई थी, बोले लग रहा है परेशान है, तो मैंने कहा कि कुछ दिक्कत लग रही है सर, तो आए पीछे और ऐसे ही घूमते घूमते और ऐसे झटका मारा और एकदम से दर्द गायब। तो मैं इस तरह की चीजों में आमतौर पर विश्वास कम करती थी इससे पहले, तो मैंने उसके बाद देखा कि दर्द गायब। तो मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स थे। फिर बाद में नेहा की शादी भी, सॉरी नैना की शादी में भी शरीक होने का मौका मिला, तो वहां पे भी मैं देख रही थी सर को हर चीज में इतना जिस तरीके से इन्वॉल्व थे, लेकिन जब उनसे फोन पे बात होती थी लगता था कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग सो स्मूथ सो सिंपल फॉर हिम, कुछ भी चुटकियों में हो जाएगा, जो कहोगे हो जाएगा। तो ये चीज जो थी, ये क्वालिटी थी कि जो जैसे कहोगे हो जाएगा। इससे भी बड़ी बात, जब मैंने नवा टाइम्स छोड़ा तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक अप्रिहेंशन था, जो कि सच भी है कि आमतौर पर ज्यादातर लोग आपके साथ बड़े ब्रांड के साथ जुड़ते हैं कि आप बड़े ब्रांड में काम कर रहे हैं। बहुत मुझे लगा कि अब मैं सर को कैसे बोलूं कि मैंने नवा टाइम्स के बाद अब मैं अपना कुछ करना चाहती हूं। तो मैंने उनको बोला कि सर नवा टाइम्स से टाटा बाय बाय है, अब अपना कुछ करना है। तो उन्होंने इतने वेलकम करके बोला कि हाँ तो अच्छी बात है ना, कुछ अच्छा करोगी, ठीक है, तुम्हें जो भी मदद जैसे भी चाहिए मैं हमेशा हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से, मतलब मुझे लगा था कि पता नहीं ऐसा ना हो कि आपने एक बड़ा ब्रांड छोड़ दिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि सर बाकी बहुत सारे लोगों की तरह वो भी बदल जाए, वो भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, पिछले 1 साल में कोविड को लेकर उन्होंने जिस तरीके से लोगों को अवेयर किया, जिस तरीके से हर बंदे के फोन में, मैं भी चूंकि हेल्थ ओपीडी चलाती हूँ, हेल्थ पर ही है, सर के साथ ही मैंने सेशन किया था, बहुत बहुत अच्छा हिट गया था, लाखों व्यू है उसके, सर के पेज पर भी है, और बहुत जिसकी मतलब मेरे, मैं खुद हेल्थ पर लिखती हूँ, उसके बाद भी मेरे पास जो फॉरवर्डेड मैसेजेस आते थे सबसे ज्यादा उसमें सर के वीडियोस होते थे। बाद में एक इस तरह का फेथ लोगों को हो गया था जो जानने वाले थे, उनको लगता था कि अच्छा सर से कुछ क्रॉस चेक करना है तो प्रियंका से पूछते हैं, वो पता करके बताएगी अगर कोई भी चीज पता करनी है चेक करना है। फिर बाकी टीम वालों से भी बात हुई, नैना से भी रेगुलर टच में रहे, सर से भी बात होती थी, तो कोई चीज आती थी तो तुरंत आगे फॉरवर्ड करती थी। बहुत सारे लोगों को उन्होंने हेल्प भी की, मेरे थ्रू लोग वहां तक आए, उनको ओपीडी में भी कनेक्ट किया, जो जैसे जिस तरीके से हेल्प हो सकती थी। तो पिछले 1 साल में ये जरूर था कि उनका जो कद था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था, आम लोगों तक उनकी जो रीच थी वो हर बंदा मतलब हर कोई जानता था कि डॉक्टर के कौन है, ऐसा नहीं था सिर्फ मीडिया वाले लोग जानते थे। तो मैंने ये चीज अभी देखी है सोशल मीडिया पे, जिस तरह के कॉमेंट लग रहे हैं, लिख रहे हैं लोग सर के जाने के बाद, इट्स वेरी रेयर, वेरी रेयर। आई थिंक मैंने अभी तक की अपनी जिंदगी में किसी के बारे में इस तरीके से लिखते हुए नहीं देखा है। कल मैंने पढ़ा, किसी और की वॉल पर ही पढ़ा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैंने लिखा है, किसी और की वॉल पे पढ़ा, पढ़कर लगा कि उससे ज्यादा एक्यूरेट सर के बारे में कोई लिख नहीं सकता। उसमें लिखा हुआ था कि लगता है कोई फरिश्ता गया है, इसीलिए आसमान भी 2 दिन से रो रहा। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ, बिकॉज अभी मैं इससे ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं। थैंक यू प्रियंका जी, यू वर वेरी डियर टू हिम, वी ऑल नो दैट, होपफुली वी विल कंटिन्यू द वर्क दैट ही स्टार्टेड। धनंजय जी, आपका सबसे लंबा एसोसिएशन रहा है, अगर आप पापा के बारे में कुछ बोलेंगे। धनंजय जी आप म्यूट पे हैं। वो कृष्ण थे ना, कृष्ण थे वो हेल्थ केयर के, मैंने लिखा भी है, और उनका रूप इतना विराट है, इतना विराट रूप कृष्ण ने दिखाया था ना, डॉक्टर के हमेशा अपना विराट रूप दिखाते थे। जितना भी कुछ मैंने जो आई ग्रू विथ हिम एज ए हेल्थ राइटर, मैं कहूंगा कि मैं हेल्थ राइटर उन्हीं का बनाया हुआ हूँ। लोग कहते हैं, कुछ लोग, मेरा नाम धनंजय है कि यू आर डी कंपनी ऑफ हेल्थ राइटिंग, मैं कहता हूँ नहीं, अब कहूंगा कि आई एम के कंपनी ऑफ हेल्थ राइटिंग। अब देखो मेरे साथ कैसा हुआ,
कि उनका नाम कृष्ण है, मेरा नाम धनंजय है, तो डॉक्टर के तो मेरे सारथी थे, है? मुझे अकेला युद्ध के मैदान में छोड़े थे। उन्होंने ठग लिया हमें, हमसे एक साल के छोटे थे, हमको जाने देते फिर जाते थे। धनंजय जी पापा बोल के गए कि उनको सेलिब्रेट करना, उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करना, उनके काम को जलाते रहना। नहीं नहीं, वो तो सेलिब्रेट करना है, लेकिन बेटा एक चीज मैं पूरी गंभीरता से कहता हूँ कि उनकी लिगेसी इतनी बड़ी है, इतना विशाल है कि मैं सोचता हूँ, कल भी बोल रहा था, मैं फ्रेंकली बोलता हूँ कि कौन ले जाएगा उस लिगेसी को आगे। यू कैनॉट हैव अनदर डॉक्टर के अग्रवाल। बहुत मुश्किल है, उसको स्वैप तो कोई कर ही नहीं सकता डॉक्टर के अग्रवाल को। मैं ये फ्रेंकली बोल रहा हूँ, ठीक है आप उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, मैं जब तक है, मैं भी तो बूढ़ा हो गया बेटा, तो मैं जब तक हूँ उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, बट इट इज वेल ना इम्पॉसिबल टू रेप्लीकेट डॉक्टर के अग्रवाल। वो के अग्रवाल इनडेलिबल है, लेकिन वो कभी उनकी उनके किए हुए काम कभी नहीं मिटेंगे, वो सब दिन रहेंगे, लेकिन के अग्रवाल जैसा कोई दूसरा आदमी असंभव है, कभी नहीं हो सकता। मैंने तो लिखा, मेरा तो सखा था वो, अब मैं डॉक्टर के नहीं बोलूंगा, वो मेरा सखा था, मेरा साथी था वो, है? कभी भी कुछ मन में आता था, और अभी देखिए ना, लाखों लोगों का इलाज करके, ये तो कहेंगे कि हेल्थ केयर कोविड की बलिवेदी पर इस आदमी ने अपने को कुर्बान कर दिया, इससे बड़ा योद्धा तो कभी हुआ ही नहीं हेल्थ केयर में। तो प्रियंका बड़े भारी मन से, शब्द नहीं है यार, क्या शब्द बोलोगे उनके लिए। मैंने कहा ना कि उनका रूप विराट था, विराट, मैंने उनके विराट रूप का दर्शन किया, वो सही में कृष्ण थे हेल्थ केयर के, और वो हमें गीता देकर गए हैं, गीता, हमने हेल्थ केयर की गीता उनसे, मैंने कल लिखा भी था, आपने पढ़ा भी था शायद, मैंने जो एक वेबसाइट पर लिखा है कि वो तो गीता थे हमारे, लेकिन उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी। बट आई टेल यू कि वो एक छोड़ के गए हैं एक बहुत बहादुर बेटी नैना, है? आई वॉन्ट से कि इट इज इम्पॉसिबल, नैना कैन डू इट, नैना विल डू इट, है? एंड ही विल परपिचुएट द मेमोरी एंड द लेगेसी ऑफ हिज फादर, we all are with her. अब कभी कभी सोचते हैं ना तो लगता है ना यार झूठ किसी ने बता दिया कि डॉक्टर के को कुछ हो गया है, ब्लडी ये कोविड का मजाल है। हमको लगता है कि कोविड ने सोच लिया कि अच्छा है, तुम लाखों लोगों को ठीक कर रहे हो और हमें ये भी अंगूठा भी दिखा रहे हो कि एक भी कोविड पेशेंट को नहीं मरने देंगे, और नहीं मरने दिया है। प्रणाम तुम्हारी मम्मी को, प्रणाम मम्मी को, प्रणाम है, नहीं मरने दिया किसी को, और वो नाराज हो गया कोविड लगता है, या भगवान जो है ऊपर में कोविड ग्रस्त हो गए, उन्होंने डॉक्टर के अग्रवाल को चुन लिया कि वही मेरा इलाज करेंगे यहाँ आकर। और उनके बारे में तो बोलता रहूं कभी खत्म ही ना हो है, इसलिए मुझे एक बार फिर प्रणाम करते हैं अपने उस सखा को, स्वर्ग में उनको सबसे ऊंचा स्थान मिले। और बेटा नैना, वी आर विथ यू, टेक हार्ट, और तुमने अपनी बहादुरी दिखाई है सबको, तो बेटा जाना तो सबको है एक दिन, लेकिन इतना कुछ कमा के बहुत रेयर लोग गया होगा ऊपर, उन्होंने बहुत कमाया, और हमको लगता है उनको पता था, इसीलिए मैंने कभी रुके नहीं, 24/7
सांस नहीं लिया उस आदमी ने. ऑलवेज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, ऑलवेज ट्रीटिंग पेशेंट्स कमिंग टू एड ऑफ. तो इनकी स्मृति कोरोना टाइम जाने दो, उसके बाद कुछ करेंगे, इनकी स्मृति में भी करेंगे हैं. और इतना ही मैं अभी कह सकता हूँ, बाकी दूसरे मित्रों को भी कहो. और प्रणाम माता जी को, उनको भी प्रणाम. बहुत 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 बड़ा लॉस हुआ है आप सबको, हम सबको, बट उस लॉस को हम लोग पूरा करेंगे. और वो जो कह के गए हैं, सो मस्ट गो ऑन, सो वी मस्ट डू हिज बिडिंग, दिस सो विल गो ऑन. इफ नॉट द वे ही लेट दिस सो, बट वी वुड डू समथिंग फॉर हिज सो. ओके, थैंक यू. नीतू जी, अनिल सागर जी, उग्रसेन जी, अनिल सागर जी, नीतू जी, हेलो. यस नैना, तू कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर. बस सर को मिस कर रहे. बेंगलोर से है जी. अच्छा ठीक, बोलो. सबसे पहले तो आंटी अपना ध्यान रखिए, नैना तुम भी स्ट्रॉन्ग रहना, तुम हो बहुत पता है पहले से, और भी स्ट्रॉन्ग रहना, हम सब साथ में हैं और हमेशा रहेंगे. सर जहाँ भी होंगे हमें पता है, बहुत बहुत हैप्पी होंगे और वो हमेशा ऐसे ही सबकी हेल्प करते रहेंगे. उनको तो जिंदा रखना है भी, उनकी सारी गॉड के फिजिशियन है, गॉड के फिजिशियन है. धनंजय जी, भगवान को भी तो चाहिए था कोई कोरोना वायरस. गॉड के फिजिशियन है. अच्छा एक चीज कहना चाहता हूँ बीच में, कि ये जितने हेल्थ राइटर है ना, उनसे उनके बारे में कुछ लिखवा के एक, हम सोच रहे हैं कि पतला बुक जो है बनाया जाए, सारे हेल्थ राइटर्स अपनी बात लिखें, हम भी लिखेंगे. ये एक आइडिया दे दिया तुमको है? ये थोड़ा ध्यान में. और कोई नहीं है जी? हाँ जी, उग्रसेन जी. आ रही है मेरी आवाज? मैं सर को, इस सर के बारे में, मतलब मुझे पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है. उग्रसेन जी, उनकी सेलिब्रेट करने का मेरे को याद मत करना, दुख से मुझे याद करना कुछ. ये बोल के गए हैं हम सबको, लोगों को मदद करते रहे, खुशी की याद करना. हम लोगों को भुलावा दे रहे हो. वो जब गए थे तो ये क्यों बोलेंगे, उस समय तो हम लोग प्रे कर रहे थे, वो लोग क्या है. लेकिन डॉक्टर थे ना धनंजय जी, वो तो सब जानते थे. सेलिब्रेट करना है, ये बात सही है. लेकिन हमको बहला रही है नहीं ना, हम लोगों को ये कह के है ना, बेटी तो उनकी थी, जानती हूँ. चलो चलो चलो, थोड़ा सा उनके बारे में. मैं अपने लाइफ में जर्नलिस्ट होने के नाते पहली बार ऐसा नहीं, प्लीज किसी और को. परविंदर शायद कुछ कहना चाहते हैं ना. नैना जी, आंटी जी, आप दोनों लोग अपना ख्याल रखिएगा. और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. व्हेन आई वाज गोइंग टू वेरी मच हार्ड टाइम्स इन माय लाइफ, सर ने मेरी बहुत 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 मदद की थी और मुझे बहुत समझाया था. और उस टाइम मैं अपने हार्ड टाइम से बाहर भी निकल पाया था. और सर मेरे लिए आइडियलिस्टिक हैं,
वो मेरे लिए कहीं नहीं गए, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और वो मेरे लिए कहीं नहीं गए, वो हमेशा मेरे लिए हमेशा मेरे साथ ही, आज भी वो मेरे साथ हैं, सबके साथ हैं। प्रवेंद्र जी थैंक यू। नीलेश, नीलेश दिख रहा है पीछे में, कैसे बेटा ठीक है? चलो ठीक है। नम्रता जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, नम्रता खुली थी। और वो अमर हो गए हैं, वो अमर हो गए हैं। कृष्ण, कृष्ण को कौन मार सकता है, वो अमर हो गए हैं। नम्रता खुली जी, I was trying to unmute myself. So, you know, a life like that of Dr. K.K. Agarwal, I agree, Naina, cannot be mourned. I think it needs to be celebrated. He was, and you know, his goodness and his special quality was not restricted to being just a good doctor, but a very good human being. You know, normally doctors are somebody we put on a high pedestal. We can't ask them many questions, but he was somebody we could ask questions, and for every question he had an answer. He was not somebody, he, you know, we always felt that he could speak to us in our language as media people. He could educate us about the coronavirus, and that every week his COVID education, which you curated, was very, very valuable for all of us. I really feel that this was not just an example of being a very good doctor, but an example of good citizenry. You know, as somebody, he probably realized and recognized the power of digital media. And he thought, rather than, you know, speaking to a few hundreds here and there, he can reach out to thousands and millions of Indians and try and tell them about how to fight this corona battle. Mere khayal se jo best shradhanjali hogi Dr. K.K. Agarwal ko will be our victory, Indians' victory over the corona. And we should keep the fight on. In his own words, as he rightly said, the show must go on. The show must go on. And we will all come together to make sure that we do defeat the coronavirus. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Anil Sagar ji. Yeah, Naina or Veena ma'am, no doubt, hum logon ke liye bahut badi ek bahut bada loss hai. मेरे लिए पर्सनल ज्यादा है, मेरा उनसे प्रोफेशनल नहीं, एक बड़ा अलग टाइप का रिलेशनशिप रहा है। चाहे बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी, पहली गवर्नमेंट 93-98, वो मुझे बहुत सारी चीजें शेयर करते थे, डिस्कस करते थे, पहला मेला कैसे हुआ, किन किन लोगों ने कैसे हेल्प की। एक बीजेपी लीडर ने सिर्फ इसलिए एक बार मेला नहीं होने दिया कि उसे ये डर था कि जब लोग आएंगे तो वो चुनाव हार सकता है। एक बीजेपी लीडर जो बहुत अच्छा दोस्त था, उसने एक बार उनसे क्या कमेंट किया, उनको बड़ा अच्छा नहीं लगा। एक उनका बहुत अच्छा दोस्त चुनाव लड़ रहा था, उन्होंने कहा कि यार अनिल कैसे इनको हेल्प करूं। बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारी आइडियाज डिस्कस करते थे जब भी मिलते थे। मुझे याद है हम लोगों ने जल प्रहरी कार्यक्रम में जब वो आए और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि यार पानी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, पर्यावरण पे भी कुछ करो। फिर उन्होंने जब एशियाड में किया, मुझे बुलाया, दिखाया सारा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पता नहीं, मैंने एक बार पूछा था, मैंने कहा आपका बर्थडे, बोला ये तो नकली है, तारीख वाला नकली है। तो मैंने कहा फिर असली कौन सा, बोलो मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ था इसलिए कृष्ण कहते हैं। और मुझे जिस तरीके के अभी सब हम सारे या पूरे देश के नहीं दुनिया के लोग जिस तरीके से उनके लिए तड़प रहे हैं, जिस तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, महसूस हो रहा है जैसे कृष्ण अपनी सभी गोपियों को, ग्वाल वालों को छोड़ करके कहीं छिप गए हैं, ठिठोली कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा आपने इतना सब कुछ खड़ा किया, आपने अपना हॉस्पिटल या कोई कॉलेज क्यों नहीं डाला? तो उन्होंने जो मुझे
कहा बताया, मेरे दिल में वो एक एक शब्द उतर गया। उन्होंने बताया कि कैसे एक एम्बुलेंस जब चलती है तो किस किस की पॉकेट में पैसे जाते हैं, और बोला कि मैं उस कैटेगरी में, मैं टारगेट लेकर, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई जो शायद उनके प्रोफेशनल सीक्रेट्स थे। एक आदमी इतना भरा हुआ था, वो व्यक्ति इतना अंदर से रिच थे वो। कई बार ऐसे ऐसे लोगों को वो झेलते थे और मानते भी थे, बोलते भी थे हाँ यार, लेकिन फिर भी वो, मुझे याद है एक बार शीला जी ने, इत्तेफाक से मैं भी मौजूद था वहां, शीला जी ने कहा डॉक्टर साहब आप इतना काम करते हो, मैं भी हार्ट पेशेंट हूं, मुझे तो लगता है कि मैं कब पंचर हो जाऊंगी पता ही नहीं चलेगा, और आप पता नहीं इतना काम कैसे कर लेते हो। बोली मैं तो डरती हूँ कि किसी दिन खबर पड़ूंगी कि शीला दीक्षित नहीं रही और आप मुझसे चार गुना ज्यादा काम करते हो, तो बस अपना स्टेथोस्कोप संभालते हुए मुस्कुरा दिए। बहुत अजीम शख्सियत थी, बहुत ही अलग किस्म के व्यक्ति थे, इसीलिए अच्छा लगता था मिल करके बात करके। जब भी मन होता था फोन कर देते थे, जहां होते थे वहीं आ जाओ मिल लेते। एक बार याद है मेरे बेटे को 2012 में कुछ प्रॉब्लम हुई, मैंने कहा सर डिस्कस करना है, बोले कहाँ हूँ, मैंने कहा मैं वहाँ हूँ, बोले अच्छा मैं हाई कोर्ट के रेड लाइट पे खड़ा हुआ हूँ। जैसे ही मैं पहुंचा वो मेरी गाड़ी में आके बैठ गए, उनकी जैसा उनका तरीका था, पीछे वो बुजुर्ग बैठते थे और उनका सिर दबाते थे, तो बुजुर्ग भी मेरी गाड़ी में आके बैठ गए और वो सिर दबाते रहे, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी और मुझे बड़ी अच्छी तरीके से काउंसिल किया, सलाह दी सारी बात। आज मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने कहा है सेलिब्रेशन होना चाहिए, तो कृष्णा ने एक कोट कहा है बड़ा, कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। और ऐसी शख्सियत के लिए मुझे लगता है हम सब लोगों को खुश होकर के, उनकी एक ही चीज जो थी वो सबसे अच्छी थी, वो ये थी कि जो भी करो खुश होकर करो, पूरी ताकत से करो, ये मत सोचो कि ये पैसे नहीं देगा, देगा, क्या करना नहीं करना, सब छोड़ दो, बस खुश होकर काम करो। और यही एक सबसे बड़ा मूल मंत्र उनका रहा है, और मुझे लगता है हम सब को उसी पर चलना चाहिए। आप दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहे, नैना ने जिंदगी शुरू की है, मैंने नैना को जब देखा हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है, और ईश्वर करे आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे। हाँ, हम सब लोग अपने कृष्णा को जरूर ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम सब इस कृष्णा को ऐसे ढूंढते रहेंगे, उसकी गैर मौजूदगी में भी। ओम शांति। थैंक यू अनिल सागर जी, बहुत काम बचा है उन्हें जो छोड़ के गए हैं। हाँ, हम सब मिलके करेंगे, मिलके करेंगे उनको। उन्हें बस यही कहा था, जिसका कोई नहीं उनका डॉक्टर केके, अब उनका जिसका कोई नहीं उनका HCFI डॉक्टर केके रिसर्च फंड। जाते जाते भूल गए हार्ट केयर का नाम, अब आगे से जाके HCFI डॉक्टर केके रिसर्च फंड रहेगा। कह के गए हैं कि ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको ट्रीटमेंट ना मिले, जो अफोर्ड ना कर सके, सबकी मदद करते रहो, मेरा नाम अमर रखो। एंड मेरे नाम से सबको ट्रेन कर चुका हूँ, सबको बता चुका हूँ कैसे करना है, अब आगे काम करते रहो। पिछली बार जब ये ऑनलाइन किया था ना उन्होंने हार्ट के, वो परफेक्ट हेल्थ मिला जी, तो बोल रहे थे कि यार अब नहीं करूंगा ये, इस साल तो ओके रहेगा अनिल साहब। हाँ, इस साल नहीं पड़ेगा, सबको मिलके करना पड़ेगा। हाँ, तो पिछली बार बोले थे अब नहीं करूंगा, मैंने कहा सुनो, मैंने कहा मेरी आपसे लड़ाई हो जाएगी, मैंने कहा यही तो आपकी ताकत है, यही सबसे बड़ी ताकत है। बोले नहीं यार ये तो उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए, बोले यार ये लोग ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो पॉलिटिशियंस थे, कुछ ब्यूरोक्रेट थे। मैंने कहा भाड़ में जाए, आप मुझे नाम बताओ ना, हम लोग एक्सपोज करते हैं,
बोला नहीं यार बहुत ये होता है, और मैंने कहा नहीं आप इसको कंटिन्यू करो, ये आपकी ताकत है। तो शायद मुझे लगता है ना हम सब लोग आपके साथ हैं, और पर्सनली मुझे आप जहां कहोगे जैसे कहोगे वी विल सपोर्ट योर आई मीन आर टारगेट नॉट योर ओनली एंड विल अचीव दिस टारगेट एंड टास्क जो भी आप लोग कहेंगे। प्लीज थैंक यू। केसरी जी आप कहना चाह रहे थे? केसरी जी हेलो। हाँ जी हाँ नैना और मैम मैं क्या कहूँ आज बहुत मैं निशब्द हूँ क्योंकि मैं खुद एक गार्जियन को खो चुका हूँ। जिस प्रकार से सर से तकरीबन 15 साल से रिलेशन रहा और जिस वक्त भी मैंने सर को फोन किया उस वक्त उन्होंने फोन उठाया और मुझे हर जगह हेल्प किया उन्होंने। अगर मैं कहा जाए कि पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से जुड़ा हुआ उनसे रहा। और जिस प्रकार से नैना आप कह रही हैं सेलिब्रेशन करना चाहिए, बिल्कुल सेलिब्रेशन करें, हालांकि मेरा दिल फट रहा है रोने को, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को एजुकेट किया अंतिम क्षणों तक, जिस प्रकार से उनका वीडियो आया ऑक्सीजन लगा हुआ था और फिर भी उन्होंने कहा कि 100 लोगों को एक साथ हम ओपीडी में देख सकते हैं, तो लोगों को उन्होंने जिस प्रकार से कोरोना से खुद वो जूझ रहे हैं, निमोनाइटिस है और फिर भी वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो उनकी जो ये बातें हैं हम न सिर्फ वीडियो तक रखेंगे बल्कि लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज जो हार्ट केयर फाउंडेशन है नैना और मैम हम लोग सभी मिलकर के आगे चलाएंगे। जहां तक पर्सनल सवाल है नैना, 2008-09 में मेरी माँ बहुत पूरी तरह से जो है वो रिमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित थी, उंगलियां पूरी टेढ़ी हो चुकी थी, लेकिन एकमात्र वही शख्स थे जिनका नाम जो है सो, और 2006 में ही मैंने अपना करियर भी शुरू किया था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बोला मनोहर तुम तुरंत आ जाओ, मूलचंद में बैठ रहे थे उस समय, तो उन्होंने वहां पर मुझे बुलाया, माँ को देखा और कई सीटिंग के बाद माँ चलनी फिरने लगी और वो पकड़ने में सक्षम हो चुकी थी, वो कुछ पकड़ नहीं पाती थी। तो ऐसे शख्स थे डॉक्टर के अग्रवाल, हमारे सारे जो मित्र हैं बंधु हैं धनंजय जी हैं अनिल जी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया हमने पल पल उन्हें जिया है। और सभी के अंदर अगर हम कहें कि सभी के अंदर नैना आज डॉक्टर के अग्रवाल सर हैं और उनकी जो लेगेसी है उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर के अग्रवाल केवल एलोपैथी के डॉक्टर नहीं थे, उनको हर चीज की जानकारी थी, चाहे वो वेद के बारे में जानकारी हो, आयुर्वेद हो या यूनानी हो होम्योपैथी हो, जब भी मैं उनके पास गया हर वक्त उनको बिजी पाया, चाहे वो डिफेंस कॉलोनी में उनका कुछ दिनों तक का आसियाना रहा हो, चाहे जो परमानेंट ग्रेटर कैलाश में हो, जब भी मैंने देखा क्षण क्षण पन पर वो मेडिकल लाइन के लिए जीते रहे और वो जीते रहेंगे, वो हमारे बीच हैं, हम उनके साथ हैं। और नैना याद होगा जब हम तुम्हारी मुलाकात हमसे हुई थी स्टेडियम में, तो वहां पर हेल्थ मिला का आयोजन भी हो रहा था, तो हमने जब सर से बात की तो उन्होंने कहा मनोहर अब आपको देखना है कि आप लोग इसे और आगे कैसे ले जाओगे, तो हम लोग इसे आगे ले जाएंगे। और ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता सर के बारे में क्योंकि सारे लोग जो है खुद डॉक्टर के हैं और उसे हम एक एक कदम तक आगे ले जाते रहेंगे। आप लोग का धन्यवाद। अफसल जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू से कंडोलेंस के अग्रवाल। धनंजय जी नमस्कार, मुझे यहाँ पे धनंजय जी जानते हैं, आप शायद मुझे नहीं जानती हो, और क्योंकि मैं उनसे पर्सनली तो एक दो बार ही मिला हूँ और हमारे जर्नलिस्ट उनसे मिला करते थे, और आज मैं ये दूसरी बार रो रहा हूँ। एक बार जब मैंने उनकी एक स्टोरी करी थी 2016 में तो उस दिन भी हमारे आँख नम हो गए थे जब मैंने उनकी ये स्टोरी सुनी उनकी, जब मैंने उन्होंने अपने बारे में बताया जीवन के बारे में स्ट्रगल के बारे में, तो उस दिन मेरे आंखों से आंसू निकले थे। और ये आज दूसरा टाइम है, मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा वो स्टोरी कि जब मैंने उनका किया था।
ये 25 लिविंग लेजेंड्स इन हेल्थ केयर पढ़ी हुई है, ये मैंने स्टोरी पढ़ी हुई है, उनकी डेस्क में थी, घर पे थी बहुत सालों तक। और ये जो है 2016 में हमने कर रही थी, और इनके साथ और भी लीजेंड्स थे जो अपनी भावनाएं दी थी। तो इसमें मैं दो लोगों की स्टोरी करते वक्त रोया था, एक डॉक्टर के अग्रवाल, दूसरे थे टीएस क्लेयर। उनकी भी बड़ी जो जीवन संघर्ष था स्टार्टिंग का, बहुत ही दुखद था। मैंने अभी मार्क भी किया इनकी स्टोरी में, फिर आज ये निकलवाया हूँ, पुरानी मैगजीन है, कि इनको एक श्रद्धांजलि देने का ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं उनके इस स्टोरी से उनको, मैं वो दो तीन लाइन उससे पढ़ना चाहूंगा उनके स्टोरी से। I was born on September 5, 1958 at Kasturba Hospital, Daryaganj, Delhi. On the occasion of Janmashtami, I was the seventh born in family of nine brothers and sisters. My father, who we just lost at the age of 96, and my mother, now 92, raised nine siblings in Hauz Qazi in one bedroom set. We lived a life of simplicity, and each of us had a driving passion to make something out of ourselves someday. तो आज मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो एक बेडरूम से वो कहाँ तक पहुँचे। ये जनता का और लोगों जो उनको आज वहाँ तक ले गया, और मेरे लिए भी ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनका मैंने एक स्टोरी किया। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, और मेरी यही है कि आप लोग इस लेगेसी को लेके चले, हमारी जो भी सहयोग होगा वो हम लोग देंगे आपको, पूरी तरह से देंगे। और डॉक्टर अग्रवाल की आत्मा को शांति मिले, और आप लोगों को भी एक हिम्मत और ताकत मिले, और आप आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। आनंद कुमार झा जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार। आवाज जी, नमस्कार। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, आनंद झा। एक्चुअली मैं डॉक्टर साहब से जनवरी में मिला था, 17 जनवरी को देवघर से झारखंड से पौधे लेकर गया था उनके लिए। सबसे पहले तो शत शत नमन उनके लिए। और मैं पौधे लेके गया, उन्होंने बोला था कि झारखंड का जो बेस्ट पौधा होगा तुम लेके आना। मेरी उनसे बात होती थी मई 2020 से। तो मैं उनके लिए, उस समय तो ट्रेन वगैरह नहीं चलती थी, तो मैं कार से लेके गया था, अपनी कार से। और उन्होंने अपने चैम्बर में वहाँ पे जो आपका 46 क्या है वो खेलगांव, वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे उनके साथ बैठा, उन्होंने इतने आदर के साथ चाय वगैरह सब कुछ पिलाया। और अपने गार्डन को जब वो दिखाए, मैं उनके साथ फोटो भी मैंने लिया था। आज मैं क्या बताऊं उनके बारे में, मेरे फोटोग्राफ्स भी हैं उनके साथ। उनके गार्डन को जब मैंने देखा, तो मैंने मतलब आज तक इतने सारे पौधे, तरह तरह के पौधे कहीं नहीं देखा था, कहीं नहीं, और किसी ने नहीं देखा होगा जो उनके चॉइस का था, हर तरह का पौधा। और अभी हमारी एक महीने पहले फिर बात हुई थी कि तुम आनंद, तुमको और कुछ पौधे भेजने थे, तो मैं किसी कारण से नहीं भेज पाया, एक्चुअली पेंडेमिक के कारण से। बट मेरा आग्रह है नैना मैम कि मैं अभी कुछ ये खत्म हो जाए, ये सारा पेंडेमिक कुछ खत्म हो जाए, तो मैं दिल्ली फिर आऊँगा। और जो उनसे कमिटमेंट है मेरा पौधा ले जाने का, ये 4-5 पौधे ऐसे हैं जो उन्होंने मुझे बताया था कि ये लेके आना, और मैं उनके पास आपको मतलब उनके आदेश का पालन करते हुए मैं आप लोगों के पास लेके आऊंगा। और काइंडली मुझे वो 2 मिनट का समय आप दे दीजिएगा, ताकि मैं आप उनके लिए कुछ सोच, वो उनका आदेश का मैं पालन कर पाऊँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। वो गार्डन उनका, उनकी निशानी है, वही गार्डन उनका मेमोरियल है आज से। वही गार्डन में हम लोग हर शाम जाके बैठते हैं और उनके साथ बातें करते हैं, लगता है वो हमारे साथ हैं। पिछले 48 घंटे से बारिश ही बारिश हो जा रही है, उस गार्डन में इतने फूल खिल गए हैं जब से वो गए हैं। वो गार्डन का तो बिल्कुल नक्शा ही बदल गया है, इतना अच्छा सुंदर हो गया है वो। वो तो पहले से भी सुंदर था, मतलब ज्यादा घास उग गई, पौधे सारे उग गए हैं,
बिल्कुल, वो तो उनका स्टैचू भी बना हुआ था, एक बुद्ध का पुण्य बना हुआ है वहाँ पे, वहीं पे हम लोग फोटोग्राफ वगैरह किए थे, हम लोग फैमिली के साथ गए थे सारे, मतलब वहाँ पे बैठे, इतना मतलब आदर मिला। उन्होंने उस दिन पर्सनली वीडियो भी बनाया हमारे साथ और यूट्यूब पे डाला था वीडियो, मतलब डॉक्टर साहब का वो मतलब कोई भी पल हम लोग नहीं भूल सकते हैं। वो उन्होंने जो कर दिया ना पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे एक आम आदमी के लिए सारे, वो कोई नहीं कर सकता है। और ये विनम्र श्रद्धांजलि होगी मेरी कि अगर मैं दोबारा उनके आपके पास जाके वो पौधा दे पाऊं, और मैं जरूर आऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, मैं जरूर आऊंगा वो पौधे, मैं झारखंड से लेके जाऊंगा, मिलेंगे तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। प्रतिभा जी अब बोलेंगे कुछ। प्रतिभा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मीडिया से और कोई है जो कुछ बोलना चाहेगा, आप अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं। प्रतिभा जी सुनाई दे रही है आपकी, सब में से आपको तो जरूर। हाँ जी राहुल आनंद जी, स्निग्धा है क्या? स्निग्धा अगर बोलना चाहे तो मैं अनम्यूट कर देती हूँ। स्निग्धा जी आप हो गए अनम्यूट? या कैन यू हियर मी? यस या सो ऑल आई कैन से इज हेवन इज रिचर नाउ Dr. Agarwal there. I really have no words, but matlab his passion for community service was unbelievable. It was exemplary. Jo bhi mera brief interaction unke saath raha, wo ek jo jazba tha unke andar ki kaise bhi karke tum log jitne COVID patients ko theek kar pao by the suggestions that I am giving you. It was matlab he was not really a normal person. Matlab जो ऐसी वो जील थी उनके कम्युनिटी सर्विस को लेकर, अगर वो आई डोंट नो अगर वो जीवित रहते तो अगले कुछ सालों में, मतलब ही वाज अ ट्रेजर फॉर दिस कंट्री, बट इट्स जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी शॉकिंग। आई मीन आई पर्सनली नो सो मेनी पीपल इन माय फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर हिज फैंस, एब्सोल्यूट फैंस, एंड गो टू ट्विटर, लुक एट, रीड द कमेंट्स दैट पीपल आर राइटिंग। मतलब केवल उनके शोज देखकर लोग खुद ट्रीट हुए हैं, लोगों ने अपने रिश्तेदारों को ट्रीट किया है केवल उनकी टिप्स और सजेशंस सुनकर। मतलब इतना पुण्य कमा के वो गए हैं, क्या क्या कहूं मैं, मतलब इट्स जस्ट शब्द नहीं बचते कि इतनी कैसे, मतलब एक महीने पहले तक बिल्कुल सही थे और अचानक ऐसा उनका चला जाना, कितना कुछ उनको करना था अपने जीवन में। माय कंडोलेंस टू यू नैना एंड मैम, प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू हिज टू ऑनर हिज लेगेसी, दैट इज यस प्लीज व्हाट वी कैन डू, दैट इज वी कैन डू टुगेदर। He is a legend. He is a living legend. You have to continue his legacy. We all will. Yes. Naina, I want to add something. Hanji. Actually, jaisa ki Snigdha ne bola ki aap, obviously aapko bhi idea hai, humse zyada idea hoga ki aap social media pe jaake comments padhe ya dekhe ki kis tarike se, I think har banda unki jo comparison hai wo bhagwan se kar raha hai. Yes, yes. Lekin uske bawajood meri shikayat hai. मेरी शिकायत है कि अभी जितनी जरूरत उनकी हम लोगों को थी, सबको थी, इस देश को, इस दुनिया को, उतनी भगवान को नहीं थी।
मुझे लगता है कि मेरी अगर कभी मुलाकात होगी उनसे तो मैं ये शिकायत जरूर कहूँ। As media, Kiki was everybody's favorite, but all of you were very dear to him because he knew that the pen is mightier than the sword. उनको पता था कि आप लोग ही वो मैसेज पहुंचा सकते हैं लोगों तक, जिससे कि जागरूकता हो, जिससे कि लोगों का भला हो. He was the media's darling. मैं कई बारी बोलती थी कि कोई मीडिया वाला आ जाएगा आप बात कर लोगे, मेरे से बात करने की फुर्सत नहीं है. पर उनको पता था कि उनकी बात पहुंचाने के लिए आप लोग कितने जरूरी हो. प्लीज वी वुड लाइक यू ऑल टू कंटिन्यू दिस एसोसिएशन एंड हेल्प अस टू रीच हिज ड्रीम एंड मेक इट इवन बिगर. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स. थैंक यू. धनंजय जी, प्रियंका जी, आप क्लोज करना चाहेंगे फिर हम दूसरे नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे. फिर एक्चुअली मैं तो मैंने अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर, और मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से मुझे लगता है कि चलो मेरा पर्सनल एसोसिएशन भी था इतना लंबा, तो मैं शायद इतना इसलिए इनको इतना मिस कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये पूरे देश, पूरी दुनिया उनको मिस कर रही है, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है. आई थिंक मैंने अपनी अभी हाल फिलहाल की लाइफ में मैंने किसी को, सॉरी, या प्लीज आंटी, कोई कुछ कहना चाहता है तो आई थिंक पहले बोल सकते हैं. शुड आई कंटिन्यू? नहीं. यस यस, यू कैन कंटिन्यू. या तो मुझे लगता है कि दुख है, सिर्फ इस बात का दुख है कि अभी उनको बहुत कुछ करना था, अचानक से चले गए, धोखा देकर चले गए एक तरह से. बिल्कुल उम्मीद नहीं थी लास्ट तक मेरी, तो खैर मैं ना तुमसे रेगुलर बात होती थी, हम दोनों शायद एक दूसरे को कंसोल कर रहे थे. कहीं मन में डर तो था, जो उनकी रिपोर्ट्स आ रही थी उसके बाद कहीं कहीं डर तो था कि शायद कुछ ऐसा सुनने को ना मिल जाए. यू वॉन्ट बिलीव कि मैं आई वॉज जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. मैं हर दिन उठ के भगवान से कहती थी कि मुझे और भी स्टोरी ना लिखनी पड़े किसी की भी इस पूरे ड्यूरेशन. और चूंकि मेरे सबसे क्लोज नियर डियर में सारी थे जो कि जिनको एडमिट करना पड़ा, तो मैं हर दिन सुबह उठकर यही कहती थी, भगवान मैंने दो दिन से अपने घर में पूजा नहीं की, क्योंकि मैं थोड़ी नाराज हूँ, मुझे लगता है कैसे नहीं होता. अचानक से मतलब था कि फाइटिंग स्पिरिट है उनके अंदर, वो लड़ लेंगे, वो फाइट कर लेंगे, वो वापस आएंगे, क्योंकि अभी उनकी जरूरत है, सबको जरूरत है, मुझे ही नहीं सिर्फ सबको जरूरत है, और बहुत सारा काम उनको करना बाकी. तो शायद इसलिए थोड़ा सा दुख मलाल है. नो डाउट हम किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आई एम बैक, मैं वो बीट कर चुका हूं एंड आई एम बैक टू शेयर माय स्टोरी ऑफ हाउ आई बी. यू वोंट बिलीव, मुझे खुद से ये फील हो रहा था अंदर से कि सर आएंगे फिर बताएंगे कि देखो एक बार फिर से तुम लोग सब इतने लोग डर रहे हो, सब लोग कोविड से ये डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं वहां तक गया, मैं वापस आया फाइट करके. तो हमें लगा मतलब ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये सुनने को मिलेगा. और तो बड़ी बात ये कि जिससे भी मेरी बात हो रही है, जिससे भी मेरी बात हो रही है, हर किसी को लग रहा है कि पर्सनल लॉस है, कोई अपने घर से चला गया है. ठीक है, तो मतलब ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि किसी आदमी का इतना पॉपुलर होना, ये कोई आसान काम नहीं है, सोच नहीं सकते आप. तो मुझे लगता है कि मैम है, नैना है, यहाँ पे नीलेश है, तो ये आप लोगों के लिए तो लॉस है, नो डाउट, लेकिन ये सब हम सबका लॉस है, पूरी कम्युनिटी का, पूरे सोसाइटी का, पूरे देश का लॉस है. लेकिन चूंकि जो उनका सपना था, जो उनकी इच्छा थी, वो हमें जरूर पूरा करना है, सबको मिलकर पूरा करना है, एज अ टीम पूरा करना है. तो यहाँ पे जितने लोग आई थिंक हम यहाँ पर हैं, हम सब आपके साथ हैं, और मैं पर्सनली आपको कभी भी किसी भी तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से अगर सपोर्ट कर सकती हूँ इस काम में, तो मैं हमेशा, इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं कुछ भी कर पाई, क्योंकि मैंने अपने उस नोट में भी लिखा है कि मैं अपने आपको खुशनसीब मानती हूँ कि मैं सर के साथ इतने लंबे टाइम तक जुड़ी रही, उनसे मिलती रही, उनसे बहुत सारी चीजें सीखी. आगे भी मैं जरूर चाहूंगी कि उनकी जो भी सपने या जो भी इच्छा अधूरी रह गई है, या जो वो चाहते थे कि उनको कंटिन्यू किया जाए, तो मैं उसका एक हिस्सा. थैंक यू सो मच. थैंक यू जो लोग मीडिया से यहाँ पर हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया. हम अब लाइव यहाँ का बंद करते हैं. इसके आगे हम लोग जाएंगे डॉक्टर के की जर्नी उनके मेडिकल कॉलेज के कोलीग्स के साथ, उनके प्रोफेसर्स के साथ, सारे वर्धा मेडिकल कॉलेज MGIMS के जो सारे लोग हैं वो हमारे साथ हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हमारे साथ. ऋतु लाइव बंद कर लीजिए.